प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग तीसरी कक्षा के व्याकरण का छठा पाठ लिंग करेंगे। लिंग हमारा हो चुका था, आज हम लोग लिंग रिवीजन करेंगे यानी पुनः अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तिका निकाल लीजिए और पृष्ठ संख्या 39 देखिए, ठीक है? पृष्ठ संख्या 39, पेज नंबर 39। हमारा क्या होगा? रिवीजन। यानी पुनः अभ्यास। ठीक है, तो सभी अपनी पाठ्यपुस्तिका की पृष्ठ संख्या 39 देखिए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिंग क्या है। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था यानी लिंग पाठ में पढ़ा था कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो। यानी यह दो व्यक्तियों का बोध कराता है, पहला तो नर और दूसरा मादा। और नर और मादा दोनों के एक चिन्ह होते हैं जिसे ही हम लोग तोड़कर लिंग के प्रकार यानी स्त्रीलिंग और दूसरा क्या है, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिंग के प्रकार जाना हम लोगों ने। लिंग के दो प्रकार है, स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। जो चिन्ह स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो चिन्ह पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, तो आप सभी पृष्ठ संख्या 39 देखिए। यहाँ पर आओ खेले खेल, चल उड़ जा रे। देखो यहाँ बच्चे खेल खेल रहे हैं अपने अध्यापिका के साथ। ठीक है, परंतु हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं बच्चों, इसलिए कोई खेल नहीं खेल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब मिलेंगे तो यह भी खेल खेलेंगे। ठीक है, तो आओ खेले खेल, देखिए यहाँ है केवल उन्हीं शब्दों पर उंगली उठानी है जो लड़की या स्त्री जाति के हो। ठीक है, सभी बच्चे एक साथ यह खेल खेलेंगे। अध्यापिका ने क्या कहा, आपको जब कहा जाए लड़की या स्त्री जाति का कोई नाम हो तभी आपको उंगली उठानी है। ठीक है, सभी बच्चे एक साथ यह खेल खेलेंगे। जो बच्चा खेल में गलत शब्द पर उंगली उठाएगा वो खेल से बाहर होता जाएगा। और उन्होंने कहा यानी अध्यापिका जी ने अपने बच्चों यानी अपने विद्यार्थियों से कहा कि अगर आप गलत लिंग पर उंगली उठाओगे तो आप खेल से बाहर हो जाओगे। यानी अगर गलत लिंग पर कोई बच्चा यानी पुरुष जाति पर अपने हाथ को उठाएगा या उंगलियां उठाएंगे तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं दक्षा। ठीक है, जो बच्चा खेल में गलत शब्द पर उंगली उठाएगा वह खेल से बाहर होता जाएगा। यह बात अध्यापिका जी ने अपने विद्यार्थियों से कहा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अध्यापिका जी ने क्या कहा, कबूतर उड़। ठीक है, मोर उड़। फिर कहा गाय उड़। फिर कहा दादी उड़। फिर कहा चिड़िया उड़। इस प्रकार उन्होंने कहा बिल्ली उड़। और फिर कहा पापा उड़। तो अध्यापिका स्वाति से पूछती है,
स्वाति, आपने दादी शब्द पर उंगली क्यों उठाई? क्या दादी उड़ती है? अध्यापिका जी ने स्वाति से क्या पूछा? स्वाति एक विद्यार्थी है, छात्रा है। तो अध्यापिका ने उनसे पूछा कि तुमने दादी शब्द में क्यों उंगली उठाई? क्या वह उड़ती है? तब स्वाति ने हंसते हुए कहा, नहीं मैम, लेकिन आपने ही तो कहा था कि स्त्री जाति वाले शब्दों पर उंगली उठानी है। दादी शब्द स्त्री जाति का है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? स्वाति ने सही उत्तर दिया, क्योंकि दादी शब्द क्या है? स्त्री जाति की है, और अध्यापिका जी ने कहा था कि स्त्री जाति पर ही उंगली उठानी है। तो बच्चों, सभी को यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, दक्षा को। अच्छा, दक्षा, दीक्षा, स्नेहंजना, अदिति। हाँ, तो अब हम लोग उसके बाद वाले पृष्ठ में आएंगे, पृष्ठ संख्या 40। ठीक है, रौनक को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब हम लोग आएंगे पृष्ठ संख्या 40। ठीक है, देखिए, उसके बाद अध्यापिका ताली बजाते हुए बहुत अच्छे, मतलब उसे शाबाशी देती है स्वाति को। अध्यापिका फिर से अक्षय की ओर देखते हुए, अक्षय, आपने कबूतर पर उंगली क्यों उठाई? तो यह प्रश्न अध्यापिका अक्षय से पूछती है, तो अक्षय ने क्या जवाब दिया? मैडम, कबूतर तो उड़ता है, इसलिए मैंने कबूतर पर उंगली उठाई। तब अध्यापिका जी ने क्या कहा? क्या आपने खेल के निर्देश ध्यान से नहीं सुने? यानी खेल कैसे खेलने, ये आपने क्या ध्यान से नहीं सुना? कबूतर उड़ता जरूर है, वह पुरुष जाति का है, हमें सिर्फ स्त्री जाति के शब्दों पर उंगली उठानी है। तो बच्चों, कबूतर जो शब्द है वो पुरुष जाति के हैं, ठीक है, और इस खेल में क्या करना है? सिर्फ स्त्री जाति पर ही उंगली उठानी है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि कबूतर जो है वो पुरुष जाति का है। ठीक है, समझ में आया सभी को यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए उसके बाद, इस खेल में हमने स्त्री जाति और पुरुष जाति के कुछ शब्दों को पहचाना। दुनिया में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति या प्राणी या वस्तुएं हैं, वे सभी स्त्री अथवा पुरुष जाति के होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ जाना, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं या वस्तु है या प्राणी है, सभी किसी न किसी लिंग के होते हैं। वो स्त्रीलिंग लिंग के होते हैं या पुल्लिंग लिंग के होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया में जो भी व्यक्ति है या प्राणी है या वस्तुएं हैं, सबके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जाति होते हैं। जैसे देखिए, चित्र में दिया गया है, नानी सड़क पार कर रही है, ठीक है, ड्राइवर बस चला रहा है, छात्रा गीत गा रही है, लड़का तैर रहा है। तो नानी सड़क पार कर रही है, तो नानी शब्द क्या है और सड़क शब्द क्या है? स्त्री जाति के, इसलिए कर रही है, और ड्राइवर बस चला रहा है, ड्राइवर क्या है? पुरुष जाति का, इसलिए चला रहा है। छात्रा गीत गा रही है, छात्रा क्या है?
स्त्री जाति की है और छात्र क्या है? पुरुष जाति का। जैसे बच्चों आप लोग भी हो ना स्त्री जाति और पुरुष जाति के, जैसे कक्षाओं में बैठते हो आप लोग, एक तरफ पुरुष जाति और दूसरी ओर स्त्री जाति बैठती, यानी एक तरफ छात्रा छात्र और दूसरी ओर छात्रा। छात्र यानी पुरुष जाति जो लड़के हैं, लड़के स्टूडेंट्स हैं, और दूसरी ओर स्त्री जाति यानी जो लड़कियां हैं, लड़कियां स्टूडेंट्स हैं। तो जो लड़कियां हैं वो छात्रा हैं और जो लड़के हैं वो छात्र हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा लिंग के दो भेद, पहला स्त्रीलिंग जाति और दूसरा पुल्लिंग। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 41। पृष्ठ संख्या 41, ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से यह समझ में आता है कि प्राणी वस्तु स्थान आदि दो तरह के होते हैं। अभी हम लोगों ने जाना पहला क्या है स्त्री और दूसरा है पुरुष। दादी सड़क छात्रा और बस स्त्री जाति की है, और ड्राइवर गीत और लड़का यह पुरुष जाति के हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों से यह जाना कि लिंग की परिभाषा क्या होगी। तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को ही लिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को ही लिंग कहते हैं। ठीक है, अब है लिंग के प्रकार। लिंग के कितने प्रकार होते हैं, कोई बताएगा लिंग के कितने प्रकार होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। दूसरा है पुल्लिंग, पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग से हम लोगों ने क्या जाना, स्त्रीलिंग यानी जो स्त्री जाति का बोध कराता है उन शब्दों को ही स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें ही क्या कहेंगे, पुल्लिंग। बच्चों अब उसके बाद आइए विशेष, मतलब इस पाठ में और विशेष क्या क्या है। देखिए, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा और गाय आदि, यह सारे क्या है, स्त्री जाति के हैं। ठीक है, और पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द को ही पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, चाचा, शेर, छात्र और बैल, ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। तो स्त्री जाति में हम लोगों ने देखा क्या है, लड़की है स्त्रीलिंग, और इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, लड़का, लड़की का लड़का। उसी प्रकार चाची है स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, चाची का पुल्लिंग संज्ञा शब्द क्या होगा, चाचा। ठीक है, उसी प्रकार शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, और शेरनी का पुल्लिंग शब्द होगा शेर। फिर है छात्रा, अभी मैंने आपको बताया था छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द है छात्र। ठीक है, उसके बाद है गाय,
गाय है स्त्रीलिंग शब्द और बैल है पुल्लिंग शब्द। इस तरह हम लोगों ने लिंग के दो भेद जाने, पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। अब देखिए कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते हैं, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते हैं। जैसे बच्चों इन शब्दों के लिंग बदले हैं, परंतु कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, इंजीनियर और कुलपति, इन सब के लिंग नहीं बदलते हैं, यह जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। अब आइए पृष्ठ संख्या 42। पृष्ठ संख्या 42, आइए जाने कुछ अन्य शब्द, यानी यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द हैं और उनके स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे आप देख सकते हो पृष्ठ संख्या 42 में पहला है लेखक, यह है पुल्लिंग शब्द और इसका क्या होगा, लेखिका, लेखक लेखिका। अध्यापक है पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा अध्यापिका, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है शिक्षक, शिक्षक क्या है पुल्लिंग शब्द और शिक्षिका है स्त्रीलिंग शब्द। शिष्य क्या है पुल्लिंग शब्द और शिष्या है स्त्रीलिंग शब्द। उसी प्रकार है सुत, सुत क्या है पुल्लिंग शब्द और सूता क्या है स्त्रीलिंग शब्द। उसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, जैसे मोर का मोरनी, पंडित पंडिताइन, नौकर नौकरानी, राजा रानी। अब इधर देखिए पुल्लिंग शब्द है धोबी, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा धोबिन। जैसे आप चित्र में देख सकते हो धोबी क्या करता है कपड़े धोता है और धोबिन भी कपड़े धोती है, ठीक है। माली मालिन, जो बागों की रखवाली करता है उसे क्या कहते हैं माली, और मालिन भी बागों की रखवाली करती है। तो बच्चों जब आप यहाँ देख सकते हो कि माली या धोबी, माली जो है माली लौ में कौन सी मात्रा है, लौ में बड़ी की मात्रा माली। माली शब्द है पुल्लिंग शब्द, जब हम इसे स्त्रीलिंग शब्द में बदलेंगे तो क्या होगा माली का मालिन हो जाएगा, माली का मालिन। और बड़ी की मात्रा जो पुरुष पुल्लिंग शब्द में है वो बदलकर स्त्रीलिंग शब्द में हो जाएगा छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा बदलकर छोटी की मात्रा मालिन, माली मालिन। और जब भी हम लोग बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं तो क्या होता है लघु स्वर, यानी अधिक समय लगता है। और जब मालिन बोलते हैं यानी छोटी की मात्रा, वो क्या होता है इसमें स्वर कम लगते हैं, ठीक है। माली मालिन, माली मालिन, ठीक है। उसी प्रकार देखो बच्चों है चूहा, चूहा यहाँ भी देखिए बड़ा ऊ की मात्रा बदलकर स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा छोटा ऊ की मात्रा चूहिया, चूहा का चूहिया। इसे जब बड़ा ऊ की मात्रा बोलते हैं इसमें हमें अधिक समय लगता है, परंतु जब छोटा ऊ की मात्रा बोलेंगे तो कम समय लगे, चूहा चूहिया, चूहा चूहिया, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार है बंदर, बंदर का बंदरिया, ठीक है। तो यहाँ पर बंदर बंदरिया हाथी,
हाथी का देखिए थ में बड़ी की मात्रा है, वह बदल कर क्या हो गया, हथनी में छोटी की मात्रा हो गई। ठीक है, बैल का गाय, भाई बहन, श्रीमान श्रीमती, और ससुर का सास, तथा बिलाव का बिल्ली। तो मैंने कहा था ये आपको याद कर लेनी है, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।